पूछ मत, इतना अच्छा दिखने में लग रहा है। अच्छा भाभी ऐसे बोले तुमको? तो फिर तुम लाके दिए? हाँ इच्छा तो होती है इच्छा। अरे औरत की इच्छा कभी खत्म नहीं होती है। अच्छा एक कमरों में जो मैं मुझे आया हुआ कितना 6 महीना हो गया है। हमारा वो तीनों सहेली जो है वो गांव आई है मैं के। तो मैं इधर से जाऊँ क्या 1 महीना के लिए? तुम्हारी सब चले गए क्या? अपना के कोई देखने वाला नहीं है, तुम सहेली के देखने के लिए जाएगा यहाँ से 10,000 खर्चा करके। 10,000 खर्चा करके सहेली के लिए है ना? और यहाँ तो दोस्त इतने हरामी के दोस्त दोस्त को देखने नहीं आता। बहुत बड़ा मसला गंभीर। आप कुछ बोल रहे सैटरडे संडे खाना खाने के लिए बाहर सेटिंग रखो। बहुत अच्छी रहता है ना इशू। सैटरडे संडे बाहर खाने का जो है सो हफ्ता में एक दिन बाहर रखो। शादी के बाद सैटरडे संडे बाहर खाने का पार्टी प्लानिंग रखना पड़ती है भैया, रखना ही पड़ता है सब कुछ शादी के बाद। घर में की जगह बना के खा लो ना। हाँ। क्या रोज घर में क्या बना के खाने का जो है, कभी कभी बाहर के भी तो खाओ। सही बात है, सही भैया ने पूरी नींद उड़ा दी हुई अपनी जो है सो। 2-3 शॉर्ट पिन पे जो है सो मैं अभी कितना जो है सो 1 साल से निकाल रहा हूँ। मतलब काम है इस साइड, यही साइड पहनना पड़ेगा ना। हाँ, 4-5 ड्रेस में मतलब 2-4 साल से निकाल रहे। और बीवी को कितने दिलाए? बीवी को तो छोड़ो, उसको तो अनलिमिटेड ही रहता है। ये बहुत अच्छा साड़ी है, ये बहुत अच्छा साड़ी है, ये चाहिए, ये बहुत अच्छा साड़ी है, ये अच्छा साड़ी है, ऐसा लग रहा है। अरे जान मारा है कि दिखा रहा है। सही बात है, ना बोलेंगे तो बीवी का मन खराब। पिछले संडे में क्या बोला, जो एक गाड़ी इंगेज किया है जो है सो ये महीना में नहीं तो जो जब था तो उसको मैं बोला जो ये हर एक संडे छोड़ के तुम घूमने के लिए जाएगी, गाड़ी इंगेज करता है, फिर उसके बाद में मैं इंगेज होता हूँ, उसके बाद 1,000-2,000 खर्चा होता है। समझ जाए 1,000-2,000 वो खर्चा हुआ, वो 2,000 कमाता हो, मतलब समझ जाए कि घूमने के मतलब है 4-5,000 नुकसान, 4-5,000 का नुकसान हो जाता है। अरे बाप रे, आदमी से बढ़ के पैसा ही है क्या? अरे पैसा ही है तो आदमी है। पैसा ही है तो आदमी है, किसे बीवी से जीत ही नहीं सकते क्यों अपन? हर पंच पे जवाब रहता है औरत का, औरत से नहीं जीत सकते हो। बहुत प्यार से मैंने बोला जो अभी जो पूरा दिन गाड़ी इंगेज करके तुम घूमने फिरने में लगा दी, तो अभी 1,000-2,000 अपना भी खर्चा है, ऊपर से जो है हर दिन गाड़ी काम करता 1,000-2,000 वो भी आती। सही बात है। अरे बाप जो है सो आदमी से बढ़ के पैसा ही है। अरे पैसा ही है तो सब है, समझा? पैसा ही है तो सब है, मतलब पैसा ही है तो सब है, पैसा कमाओ तो सब है, नहीं तो कुछ नहीं। ये मुंबई का ट्रैफिक कब खत्म होगा भाई? ये तो कभी नहीं खत्म होने वाला। ये ट्रैफिक। अच्छा इधर आगे ब्रिज बंद कर दिया है, इसलिए जितना जाम है आगे बंद कर दिया। 1.5 घंटा का सफर 2 घंटे का हो जाता है यहाँ पे। हम लोग सामान वामान लेके सब यहाँ पे पहुँचे होटल पे अंबरनाथ। और ये होटल का रूम बंद है, मुजीब भाई फ़ोन नहीं उठा रहे। कितने फ़ोन किया पता? मुजीब भाई फ़ोन नहीं उठा रहे, 2 बज रहे हैं। 14 कॉल किया इसने, 14 कॉल में से मुझे पे एक भी कॉल नहीं उठा रहे। अब हम लोग होटल पे पहुँचे, होटल वालों कॉल किया, अभी वो खोलेंगे होटल। वाट लगा दी है मुझे भाई, मेरी ज़िंदगी में मैं इतना परेशान नहीं हुआ कभी जितना अभी इतना हो गया। मतलब इतना पैसा वेस्ट हो गया, इतने पैसे में तो डायरेक्ट औरंगाबाद चल जाते ना। चलवा आराम से औरंगाबाद चले, आराम से चले जाते थे, लेकिन वाट लग गई। हाँ
थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। मेरे को लगा अभी आप उठेंगे नहीं। नहीं नहीं ऐसा नहीं। तो फाइनली होटल में पहुंच गया हम लोग। मुझे पहले तो उठे नहीं, लेकिन होटल वाले उठ गए, इतना अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र है। ये होटल में मैं बहुत पहले आया था। कितने साल हो गए अपने को आके? पाँच साल पहले ही होटल में आए थे हम लोग। 5 साल पहले आए थे भाई हम लोग ही होटल में। हाँ, और अब आ रहे हैं। ज़िंदगी वापस किधर ना किधर से किधर किधर पहुँचाती है। चलो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन सही सलामत है हम अभी भी। 5 साल पहले यही होटल में आए थे और सलमान और मैं यही रूम में थे। 105 यार, सेम होटल सेम रूम, और हम दोनों ही शेट। क्या कहानी थी, क्या था वो। कभी जिंदगी में अगर मौका मिले आप लोगों से शेयर करने का तो ज़रूर बताऊंगा। बट 5 साल के बाद वापस हम यही जगह पे, और होटल भी चेंज नहीं हुआ कुछ भी। अपन 5 साल के रिकॉर्ड देख सकते भाई इसमें? नहीं नहीं देख सकते। 5 साल पहले जो खुद यहाँ पे काम करने लगे। कैसे सो रहा है आदमी, देखो इतने फोन करने के बाद भी। फोन क्या, इतने नजदीक फोन होने के बाद भी आदमी फोन नहीं उठा रहा है। यम्मा में नहाया था मैंने, यम्मा में नहाया था सलमान ने, ये मिरर में फोटो लिया था। ऐसा मत बोलो। अरे तो तूने तेरी फोटो नहीं लिया था क्या, ऐसी गड़बड़ रही। वाह, चलो अभी हम सोते हैं क्योंकि बज रहे 2। ये आदमी देख फोन कर रहे, वो आदमी करे फोन लगाता नहीं। अरे इधर तो फोन दो, फिर ये फोन सही नहीं है। फेवरेट तो थोड़ा स्टाइल में लेकिन पुष्पा राज के दोनों स्टाइल में सो रहे हैं फुल। मुझे भाई क्या कर रहे थे तुम? हाँ इधर देखो, ओ क्या बोल के सोए थे तुम कि मैं तुम्हारा फोन उठाऊंगा, तुम आओ फोन करो। और फोन सारे हाँ तुमको वैसे रहा था फोन है। हाँ फोन लगा, नहीं भाई बोल लगा फोन। सामान देखो कितना है मुझे भाई, हमारे पास सामान देखो कितना है। और तुम बोले कि इधर से आओ ना। हाँ मेरी बज रही है यार जबरदस्त आ रही क्या? अरे कैसी क्या साइलेंट हो गया आ रही है। शिट सो जा सलमान, तू क्या बजा रहा तुम? चलो तबाह हो गई हमारी। तुमने कौन सी होटल बुक करा, तुमको स्टोरी सुना मैं सुबह में। मैं होटल बुक किया है मालूम क्या है तुम्हारे पूरे। देखो पूरा यहां फोन घुसवा था तुमको, वाइब्रेट वाइब्रेट भी पूरा वाइब्रेट हो रहा ना फोन छाती के पास। क्या करेंगे, क्या करें यार। 104 जैसे रूम देखा ना, टेंशन आ गया। 104 में से आवाज आ रही थी जब मारा। सुबह उठ गया 4 बजे और पानी लाने गया, और मैं डर गया, बोला अरबाज किधर गया। देखा जाकर दरबार सेट पानी ला रहे। मुझे भी आप सो जाओ, तुमने नींद मार ली अच्छी। हाँ गाइस गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, सुबह मिलेंगे वापस। सबसे सबसे ज़्यादा मुसीबत वाला व्लॉग यहाँ सलमान से हो रहा है। यहाँ पे मुजीब भाई के दोस्त मुजीब भाई को गुड मॉर्निंग। मुझे पहले सही से सोने नहीं दिए, खुद तो सो गए थे और फोन भी नहीं उठा रहे थे रात में, जैसे तुमको मालूम है। और अभी बोल रहे चलो ना बटे, चलो ना बटे, जाने का है ना। तो ये देखो कितने फोन कर रहे थे हमने रात में इनको, सोना तो करे फोन, फिर भी बंदा उठाने के लिए रेडी नहीं था। अल्लाह गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रात में दो दो तीन तीन मजे आ रहे, फिर हम भेज रहा हूँ। तुमने क्या बोले थे हमको मुजीब भाई, हम आएंगे आपको लेने के लिए। आपने बोले थे बना, आप 10 बजे जा रहे थे ना। शर्म है क्या तुमको थोड़ी सी?
तो गाइस हमारे मुजीब भाई फाइनली उठ चुके हैं और उठ के अभी हम लोग वापस निकल गए होटल से। पैकिंग सलमान की चड्डा इड्डा पहन के सलमान भी रेडी है, नौशा सब गाड़ी में डाल दिया। अब यहाँ से मुजीब भाई का एक काम है, वो काम करेंगे और वो काम करके जाएंगे सीधा वापस औरंगाबाद, है ना भाई? औरंगाबाद जा रहे हैं ना? औरंगाबाद औरंगाबाद चलो। अभी ये लोग जा रहे चाय पीने, मैं तो चाय पीता नहीं हूँ, ये लोग जा रहे चाय पीने। नहीं है चाय? चलो ना, तो चलो फिर उधर जाएंगे। तो चलो गाड़ी में बैठ के अब जाते हैं और फटाफट काम करो मुजीब भाई, रुकने का दिल नहीं है जरा भी। और अब आप गाड़ी क्या गर्म हो गई, गाड़ी पलटी हो गई है। क्या ये था मंशूरन? मुझे भाई क्या खा रहे? कचौरी दम। मुझे भाई ने इतना सारा खा चुके हैं पहले ऑलरेडी। और ये जो शर्ट मैंने पहना है ये हमने क्लोथ फैक्ट्री से लिया है और बहुत अच्छी फीलिंग है, कपड़ा भी बहुत अच्छा है। दाना देखते क्या बढ़ता। ये मुजीब भाई दो घंटे से ये रास्ता जा रहा ना यार, पूरा मैप आगे नहीं भाई। अरे वो मैप यू टर्न करके वापस वहीं ला रहा ना। नहीं ना भाई, ये आगे लिए मारना लेफ्ट, ये क्या है? चलो लो भाई, ये दो घंटे से मैप के चक्कर में सिर्फ घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे। और यहाँ मुंबई का ट्रैफिक आप लोगों को पता है, क्या बोल रहे भाई? और एक घंटा घूम सकता हूँ और औरंगाबाद जाना। तो इतनी नींद आ रही, हालत खराब हो गई है, गूगल मैप के चक्कर में सिर्फ घूम रहे घूम रहे घूम रहे। इधर बड़ा रोड है भैया, ये बता रहा था ना यहाँ पे वो रोड जो बीच में कह रहा था। तो अपनी तो सुन के ले ली भैया, अपने घर पे जाम के आना है आराम से। अरे रात तक तो पहुँचेंगे ना घर पे, अभी निकलेंगे तो, नहीं तो रात में निकलेंगे तो सुबह पहुँचेंगे। कभी भी निकलो कुछ भी निकलो, मैं ये लोग कल ये लोकेशन पे आके गए रात में, मतलब रात में नहीं शाम में, फिर भी ये रास्ता बोल रहे और फिर वापस मैप पे डाल के दो घंटे से घूम रहे। सामने पुलिस वाले, वो बेल्ट पहनो, अरे बेल्ट पहनो पुलिस वाले सामने। ब्लू पना खत्म होगा उसका, मसले हो गए बहुत। तो तुम लोग जल्दी जल्दी सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियोस देखो, ताकि मैं अपनी खुद की गाड़ी लूं अपने पैसों से कमा के, तो टेंशन नहीं रहेगा ऐसे घूमने का। लेफ्ट हैंड जो मारे वहाँ से ब्रिज के नीचे से पहला लेफ्ट मारने का, देखो पहला लेफ्ट गुप्ता कमरा वो वही पहुंच रहा दुकान सामान के वाले पास। देखो मोटर में 1.5 किलोमीटर ऐसे भाई जान, ये अलग मैप जा रहा हूँ, ये अलग चिल्ला रहे वो अलग चिल्ला रहे, सिर्फ घूम रहे घूम रहे घूम रहे। लेना चलना होना फिर आगे चुके हम ये रास्ते पे जो आए ना वापस 5 किलोमीटर घूम के, ये रास्ते से हम लोग गए थे और वापस और आगे 5 किलोमीटर घूम के वापस हम फिर वही रास्ते पे आए। अब वापस एक लोकेशन पे जा रहे हैं, वहां पहुंचने के बाद भी फिर वो गलत दिखाएगा मैप, फिर वहां से अब मुजीब अगर नहीं घर चले तो फिर बहुत बड़ा मसला हो जाए। ये इधर भाई बैठे बोलना, मुझे भाई बड़ा मारते बोलना, पूरी वाट लगा दी, पूरा दिमाग खराब हो गया। 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर घूम के आ रहे, वो भी रॉन्ग गलत घूमते घूमते और 2 घंटे हो गए लगी हुई जगह। अब क्या जा रहे? राज लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स अभी भी जा रहे छिया। अभी क्या बोले तुमने औरंगाबाद जा रहे बोल के? भिवंडी जा रहे हम। भिवंडी क्यों? आप भिवंडी में से तो आए मुझे पता से आए ना, फिर आप तो अभी भिवंडी क्यों जा रहे? आप घर पे आ रहे ना, भिवंडी बाद नासिक रोड लगता ना। अरे तुम बोलने क्या चाहते हो पहले बात क्लियर करो। अभी औरंगाबाद जा रहे ना? औरंगाबाद जा रहे फाइनली हम लोकेशन में पहुंचे और ये 1 घंटे से अंदर है। क्या चालू अंदर? बहुत माले अंदर बॉस, लोगों के पास क्या क्या बिजनेस है यार, मजाक में यार आपने कोई बड़ा बिजनेस डाल क्या कर रहे हो? पुट्ठे का भैया कचरे का पैसा है, कचरे का कचरे को फिनिशिंग में साफ करो, पैसा कमाओ भैया। कल शहर बाजार में कचरा चुनने निकलने वाले हैं, नारे गाओ। मुजीब भाई क्या कर रहे? मुजीब
भाई यहाँ पे एक घंटे से लोग अंदर गए हुए, पता नहीं क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। ये अलग छड्डे में घूम रहा है यहाँ पे, और मेरा हाल तो ऐसे हो गया ना यहाँ पे, तुम लोग क्या बताओ। अब वो गोडाउन से निकल के अब ये मुजीब भाई ये लड़के के साथ बैठे, अब ये कोई नए गोडाउन पे लेके जा रहा है तो जिंदगी मुजीब भाई के साथ आके झंड हो गई पूरी। तो फाइनली मुजीब भाई क्या बोले तुमने, औरंगाबाद मिशन औरंगाबाद बोल। अब हो गया सबके काम खत्म, अब हम लोग जा रहे हैं औरंगाबाद, और हालत देख सकते हो आप लोग कितनी खराब हो गई है। सब खत्म हो गया जिंदगी में, ऐसा लग रहा सब खत्म हो गया। लेकिन सलमान का दादा टेंशन बढ़ा है, सलमान बोला मैं पुट्टे का बिजनेस करूंगा, बोला पुट्टे का बिजनेस करने वाला ये। तो चलो खैर देखते पुट्टे का बिजनेस करते क्या करते, क्या पुट्टे का करते। तो अभी हम लोग जा रहे हैं औरंगाबाद, वे टू औरंगाबाद। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय मुंबई। ढाबे पे रुक के खाना खाने का मजा ही कुछ और, इधर कार्टून कार्टून वाले बहुत अच्छे। पूरी उतरी में आ रहा हूँ, ऐसी मजाक मत करो, लगा लकड़ी किसी का सिर। अल्लाह सो सकते हैं यार, नहीं वो लड़कियां बेचते हैं वो इधर से हाथ पैर दबाते हैं। अल्लाह मुझे भाई जिंदगी में इतना नहीं थके जितना थका दे मुझे। और ये खुद को क्या अंबानी का बेटा समझ रहा है क्या मालूम है, चोटी उटी डाला ना तो कहेगा नहीं मुझे भाई, होशियारी की बात कर रहा अपने साथ। चड्डी के अंदर चड्डी पहनी उन्होंने, देखो होशियारी की बात है, हम तुमको थोड़ा रुको होशियारी क्या मंगाने का मुझे भाई। चैनल हसन और इसका तजुर्बा हमारे भैजान को चला, लहसुन खाने से क्या होता है भैजान, लहसुन खाने से थोड़ा सा ताकतवर हो जाता, ताकतवर लहसुन पपड़ चटनी एवरेज से बाहर निकल जाता है, एवरेज से बाहर। भाई चिकन हंडी, अच्छा ये है चिकन हंडी। लोग पर नीचे करिए चिकन दिखेंगे क्या थोड़ा, हाँ है चिकन है यार। यहाँ पे बहुत सारे बदक है, ले रहे क्या तुम, यहाँ पे बहुत सारी बदक है और यहाँ पे बहुत सारी चीनी मुर्गी है, चीनी मुर्गी बदक। बदक कितने भाई आ रही है, क्या हुआ क्या कर रहे, क्या पूछ रहे थे। 800 रुपए जोड़ी है, 800 रुपए जोड़ी है, और ये 1200 रुपए जोड़ी है, 1200 ये सस्ते मिलते हैं हमारे औरंगाबाद में बोलना। ये दोनों ये सलमान और मुजीब भाई क्या कर रहे, रॉन्ग साइड गाड़ी लेके जा रहे, बोलते हम आगे चलते हैं तुम हमारे पीछे आओ, पैदल पेट्रोल खत्म। ये सलमान तो देखो बिना चप्पल के, बिना चप्पल के घूम रहे हैं, दरवाजा नहीं खुल रहा, लाइटें चालू कर रहे, लाइटें चालू कर, क्या कर रहे थे क्या कर रहे थे, लंगे पर घूम रहा था, लंगे पर घूम रहे थे, छोड़ दे शकील इनको जो आजूबाजू नहीं देखते शकील भाई, हाँ सिर्फ इनको जाना है सामने, सिर्फ सामने ही देखूंगा, गलती उनकी रहती नहीं। अच्छा उन्हें बगैर लड़की गाड़ी लाई ऐसे बात, गलती उनकी नहीं थी, उनको बोलना पड़ा सिर्फ गाड़ी चला रहे हैं, लाइट इसलिए चालू नहीं कर रहे थे। ये गन का नया शॉट आया है, मतलब पहले फटाके डाल के फोड़ते थे, अभी इसमें माचिस की गाड़ी ऐसे डालनी है, ऊपर निकलो ऐसे अंदर, और इसको ऐसे करके ओ चकास, सबसे सस्ता मतलब पटाखे का टेंशन नहीं, 1 रुपए की माचिस करी दो, गोली का टेंशन नहीं, फटाके का नहीं, गोली का, पटाखा डालना पड़ता ना उसमें, गोली डालता फिर गोली डालना पड़ेगा ना अंदर, टिकली 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 मिसाइल गन भी। तो ये ऐसा सस्ता एकदम 1 रुपए की माचिस लेके उड़ाते रहूंगा, कुछ ज्यादा ही शॉपिंग कर लिया। ये मुजीब का बिल है इसलिए मैं बोला शादी मत कर, ये जीएसटी वाला बिल है, समझो समझ रहे हो, समझ रहे हो भाई, ये मुजीब भाई की शॉपिंग। और भैया तुम्हारा कितना हुआ बिल, क्या है तुम्हारे सामान, ये हमारा सामान, ये इनका सामान, पूरी दिवाली की यहीं से मतलब
क्या बोल रहे बॉस बोलो क्या बोलने का जीएसटी वालों को बोलो उनको बंद कर दो जीएसटी का विरोध करो जीएसटी बंद कर दो हो गई पेमेंट चलते फिर आप चलो हो गया चलो सुरसुरी सब ले लिया मुझे हो गया चलो अब जल्दी फटाफट मुझे पे की थैली भर गई ये बड़ा भी लिया उन्होंने इस पे मुझे पे बैठने वाले इसके ऊपर मुझे भाई बैठ के घूमने So guys, हम वापस आ रहे थे तो जहाँ पे जाते टाइम चाय पीने रुके थे जहाँ पे काली चाय पिए थे वैजापुर वहाँ पे हमारे मोहित भाई के रिलेटिव के मतलब रिलेटिव उनके कजन का बर्थडे था तो फिर रास्ते में ही थे तो वो बोले कि अरे हम लोग यहाँ पे है तो थोड़ा रुक जाओ तो हम लोग वहाँ पे रुके थे तो वहाँ पे जिम पे उनका केक कट किए और थैंक यू सो मच पटेल ग्रुप जो मेरा जिसने फूल डाल इस्तकबाल किए सॉरी सामान इस्तकबाल किए थैंक यू सो मच पटेल ग्रुप इतना प्यार देने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए और अच्छा लगा मुझे आप लोग से मिल के तो नहीं तो लोग आप लोगों ने वो वीडियो देखे हुए तो लग रहा होगा कि ऐसे हर बार क्यों डाल रहे तो सोचा बता दूँ आप लोगों को और बस हम औरंगाबाद पहुँचने में ही है तो जैसे ही पहुँचते वैसे ही हम ब्लॉग एंड कर देंगे क्योंकि 3 दिन से ब्लॉग बना रहा हूँ मैं सलमान बोलता कितना बनाएगा क्या बोला था तू ये ब्लॉग 3 दिन से चालू है और अभी ये बिग बॉस के टाइमिंग के हिसाब से आने वाला है दोपहर 2:30 बजे दोपहर 4:30 बजे शाम 6 बजे इस टाइम को ब्लॉग आने वाला है ये कुछ यूनिक करने वाले हैं तो 5 के इसको एंड कर देंगे अच्छे से तो इतना लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं औरंगाबाद इतना तकलीफों से घूम के हम आ गए आखिरकार कैसा लगा भाईजान तुमको साथ में बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह शकील भाई मजा आई क्या मस्त मजा आया शकील भाई आज गाड़ी चला रहे थे बहुत मजा आई बहुत बार बचे हम रास्ते पे क्योंकि बहुत हैवी ड्राइवर है पर हमारे मुजीब भाई के बारे में तो क्या ही तारीफ आने का टाइमिंग बोलो ना भाई अरे अपन सेम ही टाइम पे निकले थे सेम टाइम पे 11 मिनट में हम मुंबई घूम के आ गए 11 मिनट है ना 12 बजे अपन हम 12 बजे निकले थे वापस जैसे आपने ब्लॉग स्टार्ट हुआ तब दिखे थे ब्लॉग भी एंड हो रहा 12:11 को तो हम 11 मिनट में पूरी मुंबई घूम के आए चलो स्टे ट्यून अपना ध्यान रखो अल्लाह हाफिज़ और माँ बाप की दुआ लो उससे बढ़ के और कुछ नहीं है और ऐसे ही प्यार करते रहो अल्लाह हाफिज़ टेक केयर गुड नाइट बाय बाय